शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से अभय, श्रद्धा से बात हुई? नहीं भाई। बात होगी भी कैसे, श्रद्धा भाभी अपना फोन कमरे में ही भूल गई हैं। क्या? कीर्ति भी फोन नहीं उठा रही, अगर पता लगाऊं भी तो कैसे? कीर्ति का तो हम सबको पता है कि वो कितनी जिद्दी है, लेकिन श्रद्धा वो ऐसी लापरवाही करेंगी हमें उम्मीद नहीं थी। भाभी आप ना श्रद्धा को घर की नौकरानी बना दीजिए, कीर्ति को कैसे रहना है कैसे बोलना है बस यही देखती रहे वो। लेकिन मजा है कि आप कीर्ति को कुछ कहेंगी? तनुजा अभी ना हमें आपसे बहस नहीं करनी है, हमें सिर्फ कीर्ति की चिंता है। भगवान कहीं उन्हें या उनके बच्चे को कुछ हो गया तो। हे भगवान क्या हो गया है आप दोनों को? आप दोनों भाभियों को ना अनाप शनाप बोलने की और सोचने की आदत हो गई है। हम सब कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। अरे दो बहनें साथ में घूमने गई होंगी, घूम घाम कर वापस आ जाएंगी। आज पहली बार कीर्ति बिना नजर उतरवाए घर से चली गई और कल भी उन औरतों ने इतना कुछ बोल दिया। कीर्ति और उनके बच्चे की रक्षा करना, कीर्ति कीर्ति हे भगवान कीर्ति तुझे तो हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। कीर्ति 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 फोन कर तेरा तेरा फोन जाए फोन नीनू हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ये तो बंद हो गया है, अब क्या करूं मैं? कीर्ति कीर्ति मैं अभी आई। समझाने का वक्त अब गया, अब मुझे खुद ही जाके देखना होगा। हाँ भाई कहीं आसपास ही होंगे, एक काम करते बाइक से ही चलते हैं। रुको मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं पापा आप यहीं रुकिए, अगर कीर्ति और श्रद्धा वापस घर आती हैं तो आप हमें फोन कर दीजिएगा। चलो चल। श्रद्धा ने बहुत गलत किया इस पर, अगर हमारे परिवार पर आज भी आई ना तो। नैना भाभी शायद आप भूल रही है कि श्रद्धा के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अगर माता रानी से सलामती की प्रार्थना करनी ही है तो इस घर की दोनों बहुओं की कीजिए, सिर्फ एक बहू की नहीं। हे भगवान अब मैं क्या करूं? हे भगवान कीर्ति 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 क्या होगा तुझे? मैं हूं ना तेरे साथ, देख लो हम और बर्दाश्त नहीं हूं, ऐसा लग रहा है हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। कीर्ति पानी पी, पानी पीना सामने से। माफ कीजिएगा हमें आपकी मदद की जरूरत है, मेरी बहन प्रेग्नेंट है, उसे उसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाना है, उसे बच्चा होने वाला है। देखिए ना हमारी गाड़ी ये पेड़ से टकरा गई है, हम हमारी मदद कर दीजिए। आप उनको बुला लीजिए। शुक्रिया अभी आई। कीर्ति कीर्ति हमें मदद मिल गई है, चल कीर्ति हमें।
दीदी, हमसे नहीं होगा दीदी, अब हमसे नहीं होगा। दीदी मेरे लिए हिम्मत रख ले, आने वाले बच्चे के लिए हिम्मत रख। बस हम कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना। चाय वाले से पूछ लेते हैं। ठीक है। हेलो। हाँ मम्मी, अभी तक मिले नहीं है पर मिल जाएंगे। आप शांत रहिए प्लीज, मैं फोन करता हूँ। भाई साहब आपने सफेद गाड़ी देखी है यहाँ से निकलते हुए? दो लड़कियां थी उसमें, एक चला रही थी, गाड़ी का नंबर था 4855। अरे हाँ भैया, एक फर्राटेदार गाड़ी निकली अभी यहाँ से, औरत बहुत तेज चला रही थी और गाड़ी लेकर उधर चली गई। शुक्रिया भाई साहब। डॉक्टर, मेरी बहन का 8वां महीना चल रहा है और अचानक से उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो गया। प्लीज देखिए ना एक बार। एक मिनट, मैं चेक करती हूँ, प्लीज। डॉक्टर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरी बहन और उसके आने वाले बच्चे को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। वार्ड बॉय, स्ट्रेचर लेके आओ फास्ट, जल्दी। नर्स, ओटी तैयार करो फास्ट। ओके डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज मुझे मेरी बहन के साथ अंदर जाने दीजिए प्लीज डॉक्टर। आप प्लीज 10 मिनट के बाद आइए, तब तक ओटी तैयार हो जाएगा। ओके मैडम, प्लीज 2 मिनट के लिए मुझे अपना फोन देंगी, मुझे घर पे एक अर्जेंट कॉल करना है। थैंक यू। अरे गाड़ी, तो बंद है। ए भगवान, बस कीर्ति ठीक हो, अगर उसे कुछ हो गया तो। ये किसका नंबर है? श्रद्धा तो नहीं है? हेलो अभय, श्रद्धा तुम ठीक हो ना? अभय कीर्ति कहाँ है? स्पीकर बेटा, कीर्ति कहाँ है? तुम्हारी गाड़ी यहाँ टूटी पड़ी है। श्रद्धा तुम लोग कहाँ हो? और कीर्ति ठीक है ना? वरुण जी, हम लोग इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल? श्रद्धा हुआ क्या? वरुण जी, आपका बच्चा आने वाला है। मेरा बच्चा? पर श्रद्धा अभी तो 1 महीना बाकी था ना। कीर्ति को अचानक से बहुत दर्द शुरू हो गया था, आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कीर्ति के पास जा रही हूँ। श्रद्धा तुम घबराओ मत, हम आ रहे हैं। हम तुम्हें फोन मिला रहे थे, तुम्हारा फोन घर पे था, कीर्ति का फोन गाड़ी में पड़ा है, हमें पता नहीं चला था हम क्या करें, हम बस आ रहे हैं। कीर्ति बच्चा तैयार है आने के लिए, तुम्हें थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा। यस, तुम कर सकती हो। कीर्ति कम ऑन, कीर्ति पुश।
लगा कीर्ति, अपने बच्चे के खातिर जोर लगा कीर्ति, मतलब हम नहीं कर पाएंगे, देखो हम नहीं कर पाएंगे। होगा कीर्ति, होगा। हाँ लंबी लंबी सांसें लो। कीर्ति कीर्ति अब बस हमसे नहीं हो पाएगा दीदो। तू कर सकती है कीर्ति, तू हमेशा से ही मुझसे ज्यादा बहादुर है ना, तो तू हिम्मत रख, जोर लगा कीर्ति। देखिए कीर्ति पूरी तरह से जोर नहीं लगा पा रही है, इससे उसपे और उसके बच्चे पे बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। मेरी बात सुन कीर्ति, तू हमेशा से ही अपने बच्चे को गोद में लेना चाहती थी ना, उसे इस दुनिया की सारी खुशियां देना चाहती थी, तो कीर्ति अब वो टाइम आ गया है। कोशिश कर कीर्ति और अपने बच्चे को इस दुनिया में लेकर आ, हिम्मत रख कीर्ति, कीर्ति बोल। शाबाश कीर्ति, शाबाश, अपनी जान लगा दे कीर्ति, शाबाश, जोर लगा। इनका बीपी तो बढ़ रहा है डॉक्टर। कोशिश कर कीर्ति, अपने बच्चे की खातिर कोशिश कर, जोर लगा कीर्ति। बारह को छोटी कीर्ति हुई है। मेरी प्यारी बहन की नन्ही सी परी आई है कीर्ति, आज इस दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है तूने मुझे। कीर्ति अभी ठीक है, उसे आराम की जरूरत है। हम अभी पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। मेरी प्यारी बच्ची, इस दुनिया की सारी खुशियां दूंगी मैं तुझे, मेरी परी। ये क्या कर रहे हो अब दीदू? हमने सोचा था सबसे पहले अपनी बेटी को हम अपनी गोद में लेंगे, और आपने ले लिया। हम इसकी माँ ही हमारी बच्ची, हमें दीजिए। कीर्ति तू थक के सो गई थी ना, और बेबी भी बहुत रो रही थी, इसीलिए कितनी आराम से हमें दीजिए। हमारी अपनी बेटी। कीर्ति, मुबारक हो वरुण जी, नन्ही कीर्ति आई है। श्रद्धा, हम ठीक हो? कीर्ति, एक औरत अपनी जिंदगी में कई मोड़ से गुजरती है, वो किसी की बेटी, बहू,
किसी की पत्नी होती है। लेकिन जानती है कीर्ति, जब वो एक बच्चे की माँ बनती है ना, तो उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। तू भी अब पिछली सारी बातें भुलाकर नए रिश्ते की शुरुआत कर, अपने परिवार के साथ। श्रद्धा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। हर डॉक्टर ने मुझे बताया कि कैसे तुम अकेले हाथ गाड़ी पे खींच के कीर्ति को यहां पे लेके आई। श्रद्धा, तुम कीर्ति के लिए सिर्फ बहन और उसके मां के समान नहीं, बल्कि इसके और मेरे बच्चे के लिए तुम एक फरिश्ता हो। मुझसे भी ज्यादा उनका ख्याल रख। थैंक यू सो मच। अब तो हमारी इस नन्ही परी का कितने सारे लोग ख्याल रखेंगे। सब इसका घर पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो हमारी नन्ही परी घर चले। हेलो बेबी। एक तो मैं अस्पताल भी नहीं आने दिया, ऊपर से इतना इंतजार करा रही है, इतनी देर लगा दी, पता नहीं कहाँ रह गए। मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा, मुझे बेबी को देखना है। अरे आ जाएंगे। लो आ गए। बेबी आ गई। पार्टी परिवार में हमारी लक्ष्मी का स्वागत है। भाभी ये कितनी प्यारी है, ये ना बिल्कुल हम पर गई है। अरे मां सर संभाल के। लो जी अब ये नई बात सुनो, एक दिन हुआ नहीं माँ बने कि इतने लंबे चौड़े बेटे की माँ को ये समझा रही है कि बच्चों को कैसे संभालते। हम उसकी माँ है, वो हमारी बेटी है, हमें ज्यादा पता होगा ना। अच्छा कीर्ति, ताई जी दादी हैं इसकी, और दादी तो अपनी पोती को सबसे ज्यादा प्यार करती है ना। उफ दीदू आप ये सब रहने दीजिए, ये सब ना आप अपनी सास के साथ दिखाइएगा। हमारी बेटी के मामले में आप प्लीज कुछ मत बोलो। वाह कीर्ति, बहुत अच्छी बात है, आखिर तुमने अपने मन की बात बोली दी ना, बस यही ताना सुनना बाकी रह गया था हमारे लिए। नहीं नहीं चाची जी, वो ना गलती से हमारे मुंह से निकल गया, वो हमारी बेटी की बात थी ना, तो बस। अच्छा चलिए ना बच्ची के साथ रस्म की शुरुआत करते हैं, और वैसे भी हमारी गुड़िया को अपना घर भी तो देखना है ना। कीर्ति बेटा
अरे बाप रे, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? ये लीजिए अपनी नातिन से। आप बिल्कुल अपनी मम्मी पर गई हो। आपको पता है जब कीर्ति हुई थी ना, तो कीर्ति बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। अरे वाह, इसी बात पे मुंह मीठा करते। भाभी मंदिर चले, गुड़िया रानी को शहद चखाने की रस्म भी तो करनी है ना। अरे आखिर हमें भी तो मौका मिलना चाहिए गुड़िया रानी के साथ खेलने का। आखिर हम बुआ दादी जो बन गए। अच्छा ये लीजिए। बच्ची के माँ बाप भले ही मैं और कीर्ति, लेकिन भगवान का रूप लेकर इसकी रक्षा हमेशा तुमने की है श्रद्धा। तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी अगर तुम इस बच्चे की ये रस्म करोगे। तुम्हें अशुभ हाथों से अपनी बहू की गोद भराई की रस्म नहीं कर सकती। हम दीदू के साथ ये रस्म नहीं होने दे सकते। कीर्ति बेटा, वरुण बैठ जाइए, रस्म शुरू करें। अब अपनी छोटी उंगली से ये शहद लेकर उन्हें चखा दीजिए। श्रद्धा, किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।